हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे डोलोफिक्स ए टेबलेट के बारे में। देखिए, यह जो टेबलेट है कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसके अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया गया है। इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट्स है एसिक्लोफेनिक है, जो कि 100 mg के अंदर इसके अंदर दिया गया है। साथ में इसके अंदर पैरासीटामोल जो कि 325 mg के अंदर दिया गया है। अपन बात करें कि किस किस प्रकार की समस्याओं में इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, यह जो टेबलेट है पेन किलर टेबलेट है। दर्द से राहत पाने और बुखार से राहत पाने के लिए इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है। देखिए, यह जो टेबलेट है, यदि कोई व्यक्ति है उसको जोड़ों का दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, या फिर कोई चोट लग गई है जिसकी वजह से उसके स्वेलिंग आ गई है, उसके साथ उसके दर्द हो रहा है, या फिर किसी भी कारण से उसके दर्द और उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आने की संभावना है या फिर हल्का बुखार आ रहा है, तो इस प्रकार की समस्याओं से राहत पाने के लिए इस डोलोफिक्स ए टेबलेट का आप उपयोग कर सकते हैं। एसिक्लोफेनिक है जो आपके पेन किलर, मतलब कि आपके दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो चाहे आपके जोड़ों का दर्द हो, कमर दर्द हो, चाहे आपके चोट लगने की वजह से कैसा भी दर्द हो, कोई टांके आए हुए हों उनके अंदर आपके दर्द हो रहा हो, या फिर सूचरिंग आई हो उनके अंदर दर्द हो रहा हो, तो देखिए पीठ के अंदर दर्द हो रहा हो तो दर्द से राहत पाने के लिए अपन एसिक्लोफेनिक का उपयोग कर सकते हैं। और देखिए, दर्द के साथ कई बार ऐसा होता है कि अपन को बुखार आने जैसी संभावनाएं भी रहती है, तो उसके लिए इसके अंदर पैरासीटामोल दिया गया है। तो देखिए, यह जो टेबलेट है आपको दर्द और बुखार से राहत देने का काम करती है। अपन बात करें इस टेबलेट की प्राइस के बारे में, तो अभी मैं जिस टेबलेट का रिव्यू कर रहा हूँ डोलोफिक्स ए टेबलेट, इस टेबलेट की प्राइस है मात्र 45 rupees, जिसके अंदर 10 टेबलेट की स्ट्रिप आपको नॉर्मली मिल जाती है। यदि आप अन्य ब्रांड कोई दूसरी टेबलेट का इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल दिया गया हो, तो उसकी प्राइस में आपको कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए, यदि यह जो टेबलेट है आपको डोलोफिक्स ए के नाम से नहीं मिले, तो आप इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल, इस नाम से नॉर्मली मेडिकल स्टोर से परचेस कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर वाला अन्य ब्रांड के आपको यह जो टेबलेट है दे देगा। देखिए, डॉक्टर की सलाह लेकर ही आप इस टेबलेट का इस्तेमाल करें। अपने इस टेबलेट के कुछ नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें, तो देखिए वैसे आपको इसके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कई कई बार देखिए व्यक्तियों को एलर्जिक समस्याएं भी हो जाती है, या फिर जब अपन पेन किलर टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो अपन को गैस्ट्रिक समस्या भी हो जाती है, या फिर और कोई अन्य प्रकार की किसी प्रकार की आपको समस्याएं देखने को मिले, तो आप इस टेबलेट का उपयोग करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस टेबलेट का उपयोग करें। देखिए, यह जो टेबलेट है आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने के कार्य करेगी। आपके पुराने से पुराने दर्द से राहत पाने के लिए आप इस टेबलेट का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, अपन इस टेबलेट के यूज करने के तरीके के बारे में बात करें, तो यह जो टेबलेट है आपको खाना खाने के बाद में लेनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के चोट वगैरह या सूचरिंग आई हुई होती है, उस टाइम देखिए यदि व्यक्ति के दर्द रहता है तो सुबह और शाम को कंटिन्यू 2 से 3 दिन तक वह ले सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति के अचानक से कमर दर्द हो जाए, या फिर जोड़ों के अंदर दर्द हो जाए, चोट लग जाए, या किसी भी कारण से उसके दर्द होने लग जाए, तब आप इस टेबलेट का उपयोग खाना खाने के बाद में कर सकते हैं। रिजल्ट आपको बेहतरीन देखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है डोलोफिक्स ए टेबलेट के बारे में कि कब और कैसे इस टेबलेट का उपयोग किया जाता है, उपयोग करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके बेनिफिट और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।